दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Realme मोबाइल के बारे में। देखिए दोस्तों, Realme मोबाइल में एक प्रॉब्लम आ रहा है, Realme UI रिकवरी। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों आता है, हर एक डिवाइस में आता है, कभी भी आप कोई भी मोबाइल ले लो, इसमें ये वाला जो प्रॉब्लम है सभी मोबाइल में आता है। तो दोस्तों आज हम इसको बात करेंगे कि ये जो Realme UI रिकवरी वाला प्रॉब्लम क्यों आता है, कैसे आता है और इसको आप घर में कैसे ठीक कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसको किसी रिपेयरिंग शॉप लेके जाओगे वो तो ठीक कर देगा, लेकिन आप इसको घर में भी ठीक कर सकते हो। घर में ठीक करने के लिए पहले आपको जानना जरूरी है कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम क्यों आता है। देखिए मैं मोबाइल को स्विच अप करता हूँ, पहले इसको रीबूट कर लेता हूँ और रीबूट करके आपको बताता हूँ। देखिए पहले मोबाइल ऑन होने दीजिए, अभी तो ये मोबाइल ऑन होगा, ऑन होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम क्यों आता है। देखिए अगर आप पता चल जाएगा ना ये प्रॉब्लम क्यों आता है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है ये प्रॉब्लम आया कैसे तो आप उसको ठीक भी नहीं कर सकते। जैसे ही पता चलेगा, मैं जैसे जैसे बताऊंगा, अगर वैसे करते हो तो आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए मोबाइल ऑन हो रहा है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये मोबाइल अभी ऑन हो रहा है, देखिए अभी मोबाइल ऑन हो रहा है, ये एकदम परफेक्टली ऑन हो जाएगा, दूसरा इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि Realme UI रिकवरी जो है कैसे आता है। देखिए Realme मोबाइल है, तो देखिए अभी मोबाइल ऑन हो गया, नॉर्मली मोबाइल ऑन हो गया, मोबाइल ऑन है, सब कुछ ठीक है। तो मैं इसको स्विच अप कर देता हूँ, देखिए मैं इस मोबाइल को पहले स्विच अप कर देता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये Realme UI रिकवरी कैसे आता है। देखिए इधर मोबाइल स्विच अप हो गया, मैं वॉल्यूम का माइनस बटन को ऐसे प्रेस करके रखता हूँ और उसके बाद मैं इधर पावर बटन क्लिक करता हूँ। देखिए अभी Realme का लोगो आ गया, मैंने पावर बटन छोड़ दिया लेकिन वॉल्यूम का माइनस बटन को मैं प्रेस करके रखा हूँ। ये चीज आप आराम से देखना, अच्छे से देखना कि मैंने वॉल्यूम का माइनस बटन को प्रेस करके रखा है, तभी जाके आपका Realme UI रिकवरी का प्रॉब्लम आता है, या तो इंग्लिश हिंदी जो तीन लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम। देखिए तीन लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम आता है। तो इधर आप अगर पावर बटन प्रेस कर देते हो तो इधर आ गया Realme UI रिकवरी। तो इसमें आपको क्या पता चलता है कि ये जो वॉल्यूम माइनस वाला बटन है ये शॉर्ट है, मतलब आपका या तो प्रेस होकर रह गया है या तो किसी भी कारण के चलते ये शॉर्ट हो गया है। तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, देखिए दोस्तों अगर आपके पास Realme का कोई भी मोबाइल है, A to Z कोई भी मोबाइल है, उसमें अगर वॉल्यूम का माइनस बटन शॉर्ट हो जाता है तो आपका प्रॉब्लम आता है ये जो इंग्लिश हिंदी ये जो तीन लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम आता है, या तो आता है Realme UI रिकवरी वाला प्रॉब्लम। तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, देखिए इसको ठीक करने का पहला तरीका है, पहले आप एक नॉर्मल ट्राई कीजिए, इस बटन के ऊपर ऐसे 2-3 बार ऐसे कीजिए, क्योंकि ऐसे करने से अगर वो बटन अंदर में दब गया होगा तो ऐसे करने से उठ जाएगा, उठने के बाद आप एक बार ऐसे रीबूट कर लीजिए तो आपका मोबाइल Realme UI रिकवरी में नहीं जाएगा और आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं होता है तो आपका पीछे का ढक्कन खोलिए, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो नहीं तो फिर मोबाइल तोड़ दोगे आप, मोबाइल नहीं तोड़ना, इसका पीछे का ढक्कन खोलिए और वॉल्यूम का माइनस बटन एक छोटा सा बटन होगा उसको निकाल दीजिए, ब्लेड लीजिए या तो कोई भी कुछ भी छोटा सा चीज लीजिए और वॉल्यूम का माइनस बटन, ये वाला ऊपर वाला बटन नहीं, अंदर में खोल के उसको निकालना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूं कि कैसे जो है बटन आता है तो मैं इधर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए इधर देखिए ऐसा बटन होगा और आपको क्या करना है, एक ब्लेड लेना है या तो किसी भी चीज को लेना है और ऐसे करके इसको निकाल देना है, ये बटन को ऐसे निकाल देना है। देखिए इसके अंदर एक ये देखिए ऐसे आपको निकाल देना है, बस जब निकाल दोगे इसके अंदर जो शॉर्ट हुआ होता है वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये जो Realme UI रिकवरी वाला प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा। क्योंकि उसमें एक्चुअली में क्या होता है ना, वॉल्यूम का माइनस बटन शॉर्ट हो जाने से आपका Realme UI रिकवरी प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि अगर आपको कभी हार्ड रीसेट करना होता है तो आपको वॉल्यूम का माइनस बटन प्रेस करके पावर बटन प्रेस करने से ये जो Realme UI रिकवरी मोड आता है तो अचानक आ रहा है, मतलब क्या है आपका वॉल्यूम का माइनस बटन शॉर्ट हो चुका है, प्रेस होकर रह गया है। तो आपको समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।